पहली बार चुनाव मैदान में उतरी प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले वायनाड में एक रोड शो हुआ, जिसमें पार्टी के नेताओं के साथ प्रियंका गांधी हल्के बैंगनी रंग के रथ पर सवार थी। प्रियंका के पति और बेटे भी उनके साथ में मौजूद थे। नामांकन के जुलूस में जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो प्रियंका गांधी की साड़ी थी। जिस हल्के बैंगनी रंग से रथ को सजाया गया उसी रंग की साड़ी में प्रियंका नामांकन के लिए निकली। नामांकन जुलूस के साथ चल रहे लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे उनका रंग भी यही था। अंग्रेजी में इस रंग को लैवेंडर कलर बोला जाता है। नामांकन के बाद जब कांग्रेस के नेता निकलने लगे तो हमारे रिपोर्टर जैनेन्द्र ने पहले सोनिया गांधी फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। प्रियंका जी थम्पी की मेजोरिटी से जीत के आएंगी और वायनाड के जनता की समस्या को वो सॉल्व करेंगे। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।